हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे मज़े में होंगे दोस्तों फिर आपके सामने हाज़िर हूं अपनी स्टोरी टाइगर के इंतकाम का दूसरा पार्ट लेकर आशा करता हूं इसका पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं उसकी बातें सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई थी और मैं समझ गया था कि ये लोग इन बातों पर हरगिज़ विश्वास नहीं करेंगे तो मैंने इस बात पर आगे चुप रहना ही बेहतर समझा यहाँ तक दोस्तों मैंने पहले पार्ट में पढ़ा था इससे आगे इस बीच जानसन और विलियम भी जाग गए फिर कुछ देर बाद वो भी बाहर आ गए और उन्होंने कृष्णा को चाय लाने के लिए आवाज़ लगाई और क्योंकि कृष्णा चाय पहले ही तैयार कर चुका था तो वो फ़ौर ही ले आया चाय के कप जॉनसन और विलियम को थमाने के बाद कृष्णा बोला कि साहब हम पास के गांव जा रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए किसी ऐसे आदमी का इंतज़ाम कर दें जो शिकार में आपकी मदद कर सके इस बीच अगर आपको भूख लगे तो किचन में खाना तैयार रखा है मैं बस यूं गया और यूं वापस आया ये कहकर कृष्णा चला गया और हम लोग नहाने धोने के लिए बारी बारी बाथरूम में घुस गए करीब डेढ़ घंटा गुजरने के बाद कृष्णा वापस आया मगर उसके साथ कोई आदमी नहीं था उसने बताया कि साहब जिस गांव में मैं गया था वहाँ एक आदमी ऐसा था जो ये काम करता था मगर उसने अब यह काम करना बंद कर दिया है मैंने उसे काफ़ी लालच भी दी मगर वो राज़ी नहीं हुआ तो आप लोगों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा मैं किसी और आदमी का पता लगाता हूँ इसके बाद कृष्णा चला गया और मेरे साथी सर पकड़कर बैठ गए खैर कुछ देर बाद मैंने कृष्णा को आवाज़ दी कि वो खाना लगा दे कृष्णा ने खाना लाकर मेज़ पर लगा दिया और हम सब खाना खाने लगे कृष्णा भी हमारे पास ही बैठा हुआ था कि तभी अचानक हमारी निगाह डाक बंगले के गेट की तरफ गई गेट पर कोई आदमी खड़ा अंदर की तरफ झांक रहा था मैंने कृष्णा को उसके बारे में बताया तो कृष्णा गेट की तरफ गया और उससे कुछ बातें करने के बाद उसे लिए हुए बरामदे की तरफ आया बरामदे में हम लोगों को बैठा देख वो आदमी एक लम्हे के लिए रुका और इसी लम्हे मुझे उसकी आँखों में एक वहशियाना चमक दिखाई दी इसके बाद उसने मुस्कुरा कर हमें नमस्ते किया हम लोगों ने भी उसे जवाब दिया फिर कृष्णा उसे वहीं बिठाकर किचन की तरफ चला गया और एक बर्तन में पानी लेकर वापस आया फिर वह पानी उसने उस आदमी को पकड़ा दिया उस आदमी ने पानी लेकर उसके कुछ हिस्से से अपना चेहरा धोया और बाकी पानी को गट करके पी गया पानी पीने के बाद वह बरामदे में ही बैठ सुस्ताने लगा ये एक लंबे तगड़े जिस्म का देहातियों जैसा दिखने वाला आदमी था जिसने अपने शरीर पर एक गंदी सी लुंगी और बनियान पहन रखी थी और इसके माथे पर एक बड़े से घाव का निशान दिखाई दे रहा था जो सूख चुका था इसका चेहरा सपाट और सख्त था बड़ी बड़ी कुछ हद तक लाली लिए हुए आँखें उसके पास एक टीन का कनस्तर और एक हसिया जैसा चाक़ू भी था हालांकि वह इसका क्या इस्तेमाल करता होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था खैर फिर मुझे कुछ ख़याल आया और मैंने उसकी तरफ़ देख कर पूछा कि अगर वो भूखा हो तो उसके लिए भी खाना मंगवा दूँ तो वो बोला साहब मैं ये खाना नहीं खाता मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा तो कहने लगा कुछ नहीं साहब बस भूख नहीं लगी है तो मैंने ऐसे ही कह दिया खैर फिर खाना खाने के बाद कृष्णा बर्तन लेकर चला गया और मेरे दोस्त कमरे में मैं अभी भी बरामदे में ही बैठा हुआ था कि तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा कि साहब आप लोग यहाँ शिकार करने आए हैं मैंने कहा मैं नहीं हाँ मेरे दोस्त ज़रूर शिकार करने आए हैं मगर तुम्हें यह बात कैसे मालूम है तो वो कहने लगा साहब पिछली शाम जब आप लोग यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में मेरी निगाह आप लोगों पर पड़ी थी आप लोगों के पास बंदूकें थीं तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद आप लोग यहाँ शिकार खेलने आए हैं तुम्हारा नाम क्या है और यह कनस्तर और चाकू से तुम क्या करते हो मैंने उससे सवाल किया तो वो बोला साहब नाम तो पता नहीं मगर लोग हमें शेरू कहकर बुलाते हैं और मैं जंगल में शहद निकालने का काम करता हूँ यह कनस्तर और चाकू उसी काम में इस्तेमाल होते हैं फिर मैंने उससे पूछा और तुम्हारे माथे पर यह घाव का निशान मेरी बात सुनकर वो कुछ रुका और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोला साहब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जंगल में शहद निकालने का काम करता हूँ एक दिन मैं एक पेड़ पर चढ़ा हुआ शहद निकाल रहा था कि तभी वहाँ एक भालू आ गया और क्योंकि शहद का छत्ता एक था और हम दोनों उसे पाना चाहते थे तो हमारी कुछ लड़ाई हो गई और उसने हमारे सर पर एक ज़ोर का पंजा रसीद कर दिया उसी से यह घाव हो गया था फिर उसने पूछा कि क्या आपके दोस्त यहाँ पहली बार शिकार पर आए हैं तो मैंने कहा नहीं हम पिछले साल भी यहाँ आए थे और मेरे दोस्तों ने यहाँ पर एक बाघ और बाघिन का शिकार किया था मगर इस बार उन लोगों की किस्मत कुछ ख़राब है क्योंकि जिस गाइड ने शिकार में उनकी मदद की थी उसे किसी शेर ने मार डाला है तो जब तक किसी दूसरे गाइड का इंतज़ाम नहीं हो जाता हम लोग शिकार पर नहीं जाएंगे मेरी बात सुनकर वो कुछ पल खामोश रहा फिर बोला साहब अगर आप लोग कहें तो मैं इस काम में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ तुम तुम किस तरह हमारी मदद कर सकते हो तो वह कहने लगा साहब मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे ऐसी कई जगह मालूम हैं जहाँ आपके दोस्त आसानी से टाइगर को अपना निशाना बना सकते हैं इतना कहकर उसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा मुझे एक बार फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और लाली दिखाई दी मैंने कहा ठीक है मुझे तो शिकार करना नहीं है मैं अपने दोस्तों को बुला देता हूँ तुम उन्हीं से बात कर लो ठीक है साहब लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपके दोस्तों ने जो पिछली बार यहाँ शिकार किया था उसके बारे में आप हमें विस्तार से बता सकते हैं मैंने कहा तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे तो कहने लगा साहब अगर आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं और रहा सवाल वजह का तो वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगी खैर क्योंकि छुपाने जैसा कुछ नहीं था तो मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो पिछली बार हुआ था और ये भी बताया कि किस तरह मैंने उस शेर शेरनी के जोड़े को बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा और ये भी कि उसके शावक डर कर वहाँ से जंगल की तरफ भाग गए थे और ना जाने कि वो जिंदा भी होंगे या मर गए जब तक मैं उसे यह वाक़ सुनाता रहा वो अपना सर झुकाए बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनता रहा ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बातों में कहीं खो गया हो फिर मेरे खामोश होने के बाद वो एक ठंडी सांस लेकर बोला साहब वो बच्चे भी मारे गए थे मैंने चौक कर उसकी तरफ़ देखा और पूछा तुम्हें कैसे मालूम तो कहने लगा साहब एक दिन मैं शहद की तलाश में जंगल में भटक रहा था कि एक जगह शेर के तीन बच्चों की लाश दिखाई दी उन्हें देखने से पता चल रहा था कि उनकी मौत भूख की वजह से हुई थी साहब आपके दोस्तों को कम से कम उनकी माँ को नहीं मारना चाहिए था ये कहते हुए उसकी ज़बान जैसे लड़खड़ा सी रही थी खैर फिर कुछ लम्हों बाद वो बोला साहब आप अपने दोस्तों को बुला लें ताकि उनसे मैं बात कर लूँ मैंने कहा ठीक है और जैक को आवाज़ दी और उसके आने के बाद मैंने शेरू की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि ये आदमी तुम्हारी मदद करने को कह रहा है तुम इससे बात कर लो मेरी बात सुनकर जैक का चेहरा खुशी से खिल उठा और फिर कुछ देर शेरू से बात करने के बाद अगले दिन शाम को शेरू के साथ शिकार पर जाने की बात तय हो गई फिर वो हम लोगों को तैयार रहने को कहकर डाक बंगले से चला गया उसके जाने के बाद मैंने जैक से कहा कि क्या तुम्हें यह आदमी कुछ अजीब सा नहीं लगा क्या तुमने उसकी आंखों पर गौर किया कि कितनी लाली थी उनमें और किस तरह की जानवरों जैसी गंद उसके शरीर से आ रही थी जैक पता नहीं क्यों मुझे बार बार किसी गंभीर ख़तरे का एहसास हो रहा है और मेरा दिल कह रहा है कि हमें यहाँ से फ़ौर वापस चले जाना चाहिए फिर जैसा कि पहले हुआ था जैक ने एक कह लगाया और कहने लगा कि तुम नहीं सुधरोगे और इस बार मैं भी मुस्करा दिया खैर फिर यह ख़बर विलियम और जॉनसन को सुनाकर जैक ने कृष्णा को बुलाया और उसे बताया कि गाइड का इंतज़ाम हो गया है यह सुनकर वह सवालिया निगाहों से हमारी तरफ़ देखने लगा तो मैंने उसे सारी बात बताई और उससे कहा कि वो भी हमारे साथ चल सकता है अगले दिन शाम पाँच बजे तक वह चाय के थर्मस पानी की बोतलें और कुछ बिस्कुट वग़ैरह तैयार रखे जो हम साथ में लेकर जाएंगे यह सुनकर कृष्णा ने सहमति में सर हिलाया और चला गया खैर फिर अगले दिन 17 जुलाई की वो मनहूस शाम आ पहुँची जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा उस शाम चार बजे शेरू डाक बंगले में दाखिल हुआ आज उसके सपाट चेहरे पर एक ख़ुशी सी दिखाई दे रही थी वो इतमान से चलता हुआ हमारे करीब आया और सलाम करके कहने लगा साहब क्या आप लोग तैयार हैं मैंने कहा तुम कुछ जल्दी आ गए हो तुमने तो पाँच बजे आने को कहा था तो कहने लगा हाँ साहब आज मैं आप लोगों के साथ शिकार पर जाने को लेकर इतना रोमांचित महसूस कर रहा था कि कुछ जल्दी ही आ गया खैर आप लोग तैयार हो जाएं यह कहकर वो बरामदे में खम्भे के साथ टेक लगाकर बैठ गया और हम लोग अपना ज़रूरी सामान बैग में भरने लगे कृष्णा भी चाय पानी और बिस्कुट वग़ैरह एक बैग में रख कर ले आया था इस दौरान हमें तैयारियों में व्यस्त देख कर शेरू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट तैर रही थी खैर फिर पाँच बजते बजते हम पूरी तरह तैयार थे तो मैं शेरू के पास गया और कहा कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए कोई लाठी वगैरह ले लो तो वो कहने लगा साहब मुझे अपनी सुरक्षा के लिए आप लोगों जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसकी बात ने एक बार फिर मुझे झटका दिया और मैंने पूछा क्या मतलब है तुम्हारा तो कहने लगा साहब आप लोग तो हमारे साथ हैं ना तो फिर मुझे लाठी वगैरह की क्या ज़रूरत है उसकी बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी मगर कोई चारा नहीं था खैर फिर पाँच बजते बजते हम पूरी तरह तैयार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े शेरू सबसे आगे आगे चल रहा था उसके पीछे जैक और फिर एक कतार में बाकी के लोग अभी हमें डाक बंगला छोड़े हुए करीब एक घंटा ही हुआ था कि जंगल में चारों तरफ घुप अंधेरा फैल गया और हमें आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी मगर शेरू तो ऐसे भागा जा रहा था जैसे उसे अंधेरे में और साफ दिखाई दे रहा हो तो मैंने उसे आवाज़ देकर रोका और कहा कि वो थोड़ा धीमे चले क्योंकि हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो उसने अपनी गर्दन हिलाई और फिर कुछ धीमे चलने लगा फिर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर करीब ढाई तीन मील चलने के बाद एकाएक शेरू ने अपनी रफ्तार फिर बढ़ा दी और हमसे काफ़ी आगे निकल गया मैंने एक बार फिर उसे आवाज़ दी मगर वो नहीं रुका और क्योंकि जंगल में चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था और शेरू तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंची थी तो हमने अपनी टाँच निकाल ली और उसे जलाकर रोशनी सामने की तरफ फेंकी रोशनी सीधे काफ़ी आगे भागे जा रहे शेरू के ऊपर पड़ी और इसी के साथ जैक ने उसे फिर एक बार आवाज़ दी वो अचानक रुका और घूम हमारी तरफ देखा उसके हमारी तरफ देखते ही हमारे हलक से एक घुटी घुटी सी चीख निकल गई और ऐसा लगा जैसे हमारा खून जम गया हो टाज की रोशनी में उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो बिल्कुल उसी तरह लग रही थीं जैसे किसी टाइगर की आंखें रोशनी में चमकती हैं हमारे बढ़ते हुए कदम थम गए थे और ये पहला मौका था कि जब मेरे दोस्तों के चेहरों पर भी खौफ और हैरत के मिले जुले भाव नज़र आने लगे एक एक शेरू अपनी दाहिनी तरफ की घासों में गायब हो गया और हम सब एक दूसरे का चेहरा तकने लगे इसके बाद हम सभी लोगों ने अपनी टार्चें निकाल ली और उनको जलाकर चारों तरफ का जायज़ा लिया और ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा नहीं रही कि हम बिल्कुल उसी जगह खड़े थे जहाँ के पेड़ों पर बैठकर हमारे दोस्तों ने पिछले साल टाइगर और टाइगरस का बेरहमी से शिकार किया था सामने वही पहाड़ी वही खुला हुआ ज़मीन का टुकड़ा हमें दिखाई दे रहा था ये सब देखकर हमारे पैर कांपने लगे और मुझे सबके मारे जाने का यकीन हो गया मैं समझ गया कि शेरू कोई इंसान नहीं था बल्कि वो एक टाइगर की आत्मा थी जो अपना बदला लेने के लिए हमें यहाँ लेकर आई थी ये ख्याल आते ही मेरे दिमाग की नसें सुन पड़ने लगीं और मैं अपना आपा खो बैठा मैं ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्तों पर चीखने लगा कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी अब में से कोई जिंदा नहीं बचेगा उस शेर की आत्मा हम सबको मार डालेगी हमारी बातें सुनकर मेरे साथी कोई जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके पास अब जवाब देने के लिए कुछ नहीं था उधर कृष्णा का भी डर से बुरा हाल था मगर वो किसी तरह हमें संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी हमें टाइगर की एक ज़ोरदार दहाड़ सुनाई दी और इसी के साथ जैक चिल्लाकर बोला कि सब लोग पेड़ पर चढ़ जाओ और फिर एक एक करके हम सब उसी पेड़ पर चढ़ गए जिस पर हम पिछली बार बैठे थे पेड़ पर चढ़ने के बाद हमारे दोस्तों ने तीन अलग अलग शाखाओं पर बैठने के बाद अपनी राइफलों के सेफ्टी लाख हटा दिए और उन्हें अपने कंधों से लगा लिया उनके चेहरों पर खौफ की लकीरें साफ़ नजर आ रही थीं तभी हमें सामने की घासों में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई और फिर अगले ही पल उसमें से एक बड़ा सा टाइगर बाहर निकला वो धीरे धीरे चलता हुआ उसी खुली ज़मीन के टुकड़े की तरफ बढ़ रहा था उसको देखकर हम लोगों का दिल हलक की तरफ पलटा आ रहा था और हमको अपनी मौत करीब नज़र आ रही थी फिर टाइगर उस ज़मीन के टुकड़े पर पहुँच रुका और वही अजीब सी आवाज़ अपने हलक से निकाली जैसी हमने पिछली बार सुनी थी हमारे साथी बड़ी हैरानी के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर शेर की हर हरकत को देख रहे थे उनके मुंह खुले हुए थे और दहशत उनकी आंखों में साफ झलक रही थी तभी ऐसा लगा जैसे ठीक हमारे ऊपर चाँद निकल आया हो जिसकी काफ़ी तेज़ रोशनी ने उस पूरे इलाके को रोशन कर दिया और उसी वक्त हमारी नज़र गुफा की तरफ से आती हुई शेरनी पर पड़ी उसके पीछे पीछे तीन छोटे शावक भी दौड़े चले आ रहे थे ये सब देख हम लोगों को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और हम ऊपर वाले से अपनी जान बख्श देने की प्रार्थना कर रहे थे कुछ ही लम्हों में शेरनी भी शेर के पास पहुंच गई और उसकी तरफ मुँह करके खड़ी हो गई ऐसा लग रहा था जैसे वो आँखों ही आँखों में कुछ बातें कर रहे हों फिर कुछ पल इसी हालत में खड़े रहने के बाद उन्होंने मुड़कर हमारे पेड़ की तरफ देखा और हमें उनकी सितारों की तरह चमकती आँखों से शोले से फूटते दिखाई दिए इसके बाद शेर ने मुंह ऊपर करके एक ज़ोरदार दहाड़ मारी जिससे जंगल कांप उठा और हम लोगों की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई हम बुरी तरह कांप रहे थे और करीब था कि हम पेड़ से खुद ही नीचे गिर जाते कि तभी शेर और शेरनी हमारे पेड़ की तरफ बढ़े उसी लम्हे जैसे जानसन नींद से जागा हो उसने चिल्ला कर कहा जय गोली चलाइए ये सब हमारी आँखों का धोखा है कोई आत्मा यहाँ नहीं है और अगले ही पल उसकी शॉट गन के धमाके से जंगल गूंज गया और फिर एक के बाद एक धमाके होने लगे मगर इन गोलियों का शेर या शेरनी पर कोई असर नहीं हो रहा था वो लगातार पेड़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उनके गलों से खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थीं फिर अचानक फायर की आवाज़ें थम गईं शायद मेरे दोस्तों के पास गोलियां नहीं बची थीं अब तक शेर और शेरनी पेड़ के नीचे आ चुके थे शेर ने एक बार सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा और ज़ोर से दहाड़ा उसकी दहाड़ ने हम सबको दहशत और खौफ की इंतहा पर पहुंचा दिया यूँ महसूस हुआ कि जैसे हमारी आत्मा शरीर का साथ छोड़ देगी हम सब बस किसी तरह अपने को पेड़ पर बनाए रखते हुए उसकी शाखों से चिमटे हुए थे और हमें अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी मेरे दोस्तों को भी शायद अब अपनी मौत का यकीन हो चला था क्योंकि अब वो कोई हरकत नहीं कर रहे थे फिर एक एक शेर आगे बढ़ा और गुर्राता हुआ पेड़ पर चढ़ने लगा और एक लम्हे में जैक के सर पर जा पहुंचा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने एक झटके से जैक को ज़मीन पर फेंक दिया और दूसरे ही पल विलियम और जॉनसन भी जमीन पर पड़े खून उगल रहे थे और मौत का एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसको बयान करना नामुमकिन है मेरे दोस्तों के ज़मीन पर गिरते ही शेर छलांग लगाकर नीचे आ गया और फिर शेर शेरनी जैक विलियम और जॉनसन पर टूट पड़े उनकी दर्द भरी चीखों और शेर की गुर्राहटों से जंगल कांप रहा था शेर और शेरनी उन्हें बुरी तरह भंबोड़ रहे थे और वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे मगर यहाँ उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था फिर धीरे धीरे उनकी चीखों की आवाज़ें जंगल के खौफनाक सन्नाटों में खोती चली गईं एक आत्मा उनसे अपने पूरे परिवार की मौतों का इंतकाम ले चुकी थी कृष्णा शायद पेड़ पर ही बेहोश हो गया था और फिर धीरे धीरे मेरी आंखें भी बंद होती चली गईं इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे जब दोबारा होश आया तो मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था और मेरे पास ही कृष्णा भी पड़ा था और एक लम्हे में मुझे सारी बातें याद आ गईं और ख़रीब था कि मैं एक बार फिर अपने होश खो देता कि तभी कृष्णा के शरीर में हरकत हुई शायद उसकी बेहोशी टूट रही थी तो मैंने फ़ौरन उसे हिलाया डुलाया तो वो होश में आ गया और रोने लगा तो मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर धीमे से कहा कि घबराओ नहीं हम जिंदा हैं यह कह कहकर मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं और मुझे अपने से कुछ दूरी पर अपने दोस्तों की बुरी तरह कटी पटी लाशें पड़ी हुई दिखाई दी जिन्हें देखकर एक बार फिर हमारे ऊपर खौफ तारी हो गया मगर अब तक मैं ये समझ चुका था कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है वो हमें नहीं मारेगा और यह भी कि हमें पेड़ से शेर नहीं नीचे उतारा था खैर अभी हम यही सब सोच रहे थे कि एकाएक मेरी नज़र सामने की तरफ गई और मुझे वही शेर अपनी तरफ आता दिखाई दिया जिसे देखकर कृष्णा ने वहाँ से भागने की कोशिश की मगर मैंने उसे पकड़ लिया और उससे वहीं खड़े रहने को कहा शेर धीरे धीरे चलता हुआ आकर हमसे करीब तीन गज के फ़ासले पर रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा इस वक्त मुझे उसकी आँखों में दहशत की जगह एक सुकून दिखाई दे रहा था और ऐसा होता भी क्यों ना वो अपने परिवार के कतिलों से बदला ले चुका था फिर कुछ पल हमारे सामने खड़े रहने के बाद वो हल्का सा कुर्राया जैसे हमसे कुछ कह रहा हो फिर एक तरफ चल दिया और कुछ कदम आगे जाकर उसने घूम कर हमें देखा अब मैं उसकी गुर्राहट का मतलब समझ गया था वो हमें अपने पीछे आने को कह रहा था हम और कृष्णा फौरन आगे बढ़े और उसके पीछे पीछे चल दिए फिर एक घंटा घने जंगलों से गुजरने के बाद हमारे सामने एक सड़क आ गई जिसे कृष्णा ने फौरन पहचान लिया ये वही सड़क थी जो डाक बंगले की तरफ जाती थी शेर यहाँ पर पहुँच कर रुक गया और फिर बड़ी अजीब नज़रों से उसने हमारी तरफ़ देखा जैसे उसको और उसके परिवार को बचाने की जो कोशिश मैंने की थी उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो हम बस सम्मोहित सा खड़े उसे देख रहे थे कि अचानक वो मुड़ा और जंगल की तरफ चल दिया और अभी बस वो कुछ कदम ही आगे गया था कि हमें एक तेज़ रोशनी दिखाई दी जिसने हमारी आंखों को चौंधिया दिया फिर जब हम कुछ देखने के काबिल हुए तो शेर वहाँ नहीं था आज इस घटना को गुजरे हुए एक लंबा वक्त बीत चुका है लेकिन जब भी ये मुझे याद आती है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ मुझे आज भी अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देने लगती हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि क्या प्रकृति इस तरह भी इंसाफ कर सकती है या फिर मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा था दोस्तों यहाँ पर स्टोरी ये कंप्लीट हो गई आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए तो चलिए फिर आपके सामने हाजिर हूँगा किसी और स्टोरी के साथ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें जय भारत जय हिंद